नमस्कार, आपको बता दें लोकसभा सीट जो सागर के समय पर चुनावी महासंग्राम के बीच में सुरखी विधानसभा क्षेत्र के मूलरा, मऊआ खेड़ा, गड़ेलू, मड़खेड़ा, खम्पुआ, हीरापुर में पारुल साहू पूर्व विधायक एवं जिला पंचायत के अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत एवं लता गुड्डू बानखेड़ा जो लोकसभा प्रत्याशी है वो पहुंची है। साथ में हम आपको बता दें तुम तक न्यूज ने की है विशेष बात। लता बानखेड़े जी, पूर्व विधायक आदरणीय पारुल जी, हमारे सभी वरिष्ठ नेता मंडल अध्यक्ष से लेके हमारे तिवारी जी से लेके पांडे जी से लेके अशोक सिंह से लेके भूपेंद्र सिंह से लेके और दुबे जी और प्रेम सिंह लम्बड़दार सभी यहाँ विराजमान, एक एक व्यक्ति को हम जान जाए। देखो बात केवल कम शब्दों में होना है। आदरणीय पारुल जी ने भी स्वीकार किया कि काम केवल भाजपा करता है। हम तो जैसा कि अभी पूर्व वक्ताओं ने बताया आपको कि हम सब लोकतंत्र का महापर्व मना रहे हैं। लोकतंत्र के महापर्व की तैयारी के लिए ये उत्सव के रूप में हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। जिस तरह से आपके अंदर उत्साह है, उमंग है, वो बताता है कि हम सब पुनः अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माने नरेंद्र मोदी जी को इस देश की बागडोर देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने हम सबको जो दिया है वो एक अविस्मरणीय है, अद्भुत है और ऐतिहासिक है। हमारे सम्माननीय बड़ी दीदी लता बानखेड़े जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्माननीय चाचा जी हीरा सिंह जी, यहाँ उपस्थित किसान मोर्चा के अध्यक्ष बड़े भैया भूपेंद्र जी, हमारे सम्माननीय राकेश भैया जी, यहाँ उपस्थित संतोष भैया जी, हमारे बीच उपस्थित पांडे जी, लालचंद पांडे जी, हमारे सम्माननीय चाचा जी भी उपस्थित हैं यहाँ, और मड़खेड़ा के सभी वरिष्ठ ग्राम के सम्माननीय जिनका स्नेह और आशीर्वाद हमेशा मुझे मिलता रहा है, आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। मड़खेड़ा से शुरू से जब भी आना जाना रहा है तो मुझे तो बिटिया जैसा स्नेह मिला आप सबसे, और आप लोग अधिकार से मुझे डांट भी सकते रहे हैं और मुझे सुझाव भी देते रहे हैं। मुझे आज भी याद है कि मड़खेड़ा में पानी की बड़ी समस्या थी चाचा, तब नहर के माध्यम से जब मड़खेड़ा की पानी की समस्या हल हुई, मुझे याद है भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ही मैंने जब अपनी बात पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान से रखी, तभी यह संभव हो पाया कि आज मड़खेड़ा में जहां पहले अनाज नहीं होता था आज अनाज घरों में बन नहीं रहा है। मौजूद है सुरखी विधानसभा क्षेत्र में जहां लोकसभा की प्रत्याशी डॉक्टर लता बानखेड़ा लगातार जो है प्रचार भी कर रही हैं। अगर इस सुरखी विधानसभा क्षेत्र के नब्ज की बात की जाए तो इस समय पर लोकसभा सीट जब जब गई है तो यहां पर जो है सुरखी विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की तरफ में जनता का जो है आशीर्वाद मिलता रहा है। लेकिन आज सुरखी विधानसभा क्षेत्र के हम मूलरा गाँव में मौजूद हैं जहाँ लगातार अपने प्रचार में लगातार सक्रिय हैं लता गुड्डू बानखेड़ा। हम बात करते हैं बानखेड़े जी, नमस्ते। नमस्कार, कैसा चल रहा है प्रचार इस समय पर? बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत रिस्पांस मिल रहा है जनता का। जनता का रिस्पांस मिल रहा है बहुत ज़्यादा। अभी तक सागर की लोकसभा सीटों में कितने गांव आपने कवर कर लिए? हमने तीन दो पूरी विधान आठ विधानसभाओं का तीन तीन बार हमारा भ्रमण हो चुका है। 60 से 70 बड़े हमने शक्ति केंद्र पे स्वयं जाके कर लिया है। हमारे यहाँ हमारी कार्य पद्धति में शक्ति केंद्र होते हैं, शक्ति केंद्र के अंतर्गत जितने भी बूथ आते हैं हमारे, कहीं में 5 आते हैं, कहीं में 7 आते हैं, तो हम लोग शक्ति केंद्र वाइज बैठ के लेते हैं। तो इस तरह हमारे लगभग 70 शक्ति केंद्र हो चुके हैं और अभी लगातार हमारे जारी हैं। आज यहाँ पर हमारे 9 शक्ति केंद्रों का हमारा भ्रमण है। ये अभी तक ये मतदान के दौरान जो है मतदान का प्रतिशत कम हो रहा है, लेकिन मतदान का प्रतिशत लगता है कि लोकसभा क्षेत्र जो अपना है जिस दिन ये यहाँ पर वोटिंग गिरेगी तो आपको कितना अनुमान है?
हम 75 से ऊपर मतदान करने की हमने कार्य योजना बनाई है। चूँकि हमारे पहले दो चरणों में मतदान कम हुआ है, तब से हमारे पूरा संगठन बहुत, हम सब बहुत अलर्ट हो चुके हैं। अब हमने अपनी जो कार्य योजना बनाई है वो इस आधार पर बनाई है जिससे हमारे बूथ पर ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो सके। इस दिशा में हमारे सारे कार्यकर्ता और सारे नेतागण लग चुके हैं। हमारा 75% से ऊपर का लक्ष्य। सागर, लोकसभा सीटों में कई जगहों पर जाना हो रहा है हमारा भी, लेकिन जो आप कह रहे हैं 75% मतदान होगा, ये बात तो मैं मानता हूँ कि आपके लिए 75-70 तक ये मतदान आपकी इस लोकसभा सीट पर होगा। और आगामी हम ये भी मान सकते हैं कि आपके लिए जो है कह नहीं सकते लेकिन कह सकते हैं, कहीं ना कहीं हम भी बंधे हुए हैं, आप विजयश्री तरफ जा रही हैं इस समय पर। लेकिन एक और कांग्रेस की बात चल रही है, कांग्रेस के प्रत्याशी जो सामने आपके हैं वो आजकल हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं, और जानकारी मिल रही है कि अभी उनके लिए गोबर की व्यवस्था नहीं हो पाई थी, हेलीकॉप्टर जहां उतरना था, इस बारे में आप क्या कह सकते हैं? देखिए, ये उनकी कार्यशैली है, वो कैसे काम करते हैं। मैं तो ज़मीन से जुड़ी हुई कार्यकर्ता हूँ, बहुत छोटे से आई हूँ, एक पंच से मैंने पार्लियामेंट तक का सफ़र मैं कर रही हूँ, तो और मैं बहुत मध्यम परिवार से हूँ। मेरा चुनाव तो मेरा पूरा कार्यकर्ता लड़ रहा है, लोकसभा का एक एक कार्यकर्ता मेरा चुनाव लड़ रहा है। मैं तो ऑटो से भी जाती हूँ, कार से भी जाती हूँ और पैदल भी जाती हूँ। ये हेलीकॉप्टर वाला तो कुछ ना कुछ आपको कहना पड़ेगा इसके बारे में। अब हेलीकॉप्टर जो हवा में बातें करते हैं वो हवा में उड़ते हैं, उनकी कथनी और करनी में अंतर होता है। हमारी ना कोई कथनी में ना करनी में अंतर है, ना हम हेलीकॉप्टर से जाते हैं, हम तो ऑटो से जाते हैं प्रचार करने और पैदल जाते हैं। ये कहते हैं कि जनता का आशीर्वाद अगर धरती पर है तो धरती पर रहकर हम, इनका कहना है कि जो हमारी प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी से, कि हम धरातल पर रहकर राजनीति करते हैं, इसलिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं और कई गांव में जो हम अभी तक घूमना हो चुका है और जनता का आशीर्वाद है। हमने इनसे अगर बात की है कि ये 70% से ऊपर मतदान होने की संभावना सागर लोकसभा सीट पर चल रही है, लेकिन यहाँ संभवतः 70 से ऊपर ही मतदान होगा। तुम तक न्यूज़ पर हम आपको ये विशेष खबर दिखा रहे हैं जहां हमें एक गांव में एक बार फिर लता जी जो है धरातल पर प्रचार करती हुई हमें दिखी हैं। तुम तक न्यूज़ की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, हम जनता के बीच में मौजूद हैं, जनता भी यहां पर खड़ी हुई है, कई गांव के लोग यहां पर हैं, जैसे हमने कहा कि सिंगना गाँव के यहां पर ये भैया खड़े हैं। क्या है इस समय चुनाव में ठीक है या बच्चे उसमें 90% वोट मिले? किसको मिलेगी 90%? लता वानखेड़े को, पुल को। पुल को 90%? बड़े कोश किस तरफ जाएगा इस बार? बीजेपी तरफ। बीजेपी तरफ, बिल्कुल 100% जा ही रहा वो तो। 100%। क्या बात है, आप तो बड़े गोरे लग रहे हैं इस बार पर, क्या बात है। बढ़िया है, फूल जीते रहो। फूल जीत रहो 100%। गजब बात कर रहे हो, 100%। आप भी बिल्कुल पीछे से दांत मोतियों जैसे चमक रहे हैं, क्यों ना मास्टर जी वाली बात आ रही है, लेकिन आप प्रसन्न दिख रहे हैं। किस तरफ जा रहा है इस समय मत? मोदी जा रहा, सब मोदी तरफ है। मोदी तरफ जा रहा है 100%। बहुत गजब बात है, आप तो एकदम लगातार जो है मोदी तरफ जा रहे हैं। जयराम जी की भैया बड़े तैयारी में हो, तौलिया उलिया समेत यहीं के कार्यक्रम में आए थे, हमने सोचा आप लोगों से मिलना है जी। तो कहा है चुनाव को इस समय पर? अब चुनाव का देख नहीं रहे, आप दाढ़ी रखा ले कि अगर गड़बड़ हो जाए तो बाबा हो जाए। ये देखिए, यहाँ पर कई लोगों ने जो अपने वादे भी कर चुके हैं। क्या आप युवा हैं और भारतीय जनता पार्टी में भी सक्रिय हैं, किस तरफ जा रहा मतदान? बीजेपी। बीजेपी कितने परसेंट हो जाएगा? 100%। 100% ऑल इन बीजेपी। बीजेपी जी। ये एक समझ में नहीं आ रहा, आप युवा हैं, इस समय पर सुर्खी और सागर के लोकसभा में अगर बात की जाए तो हेलीकॉप्टर चल रहा है, इस बारे में आप क्या कह सकते हैं? हेलीकॉप्टर हमारे गांव में आ रहा था मगर उसको अभी गोबर नहीं मिला, सो कैंसिल हो गया है। कैंसिल हो गया। ये देखिए, यहाँ पर कहीं एक बात सामने आई है कि कहीं अगर हेलीकॉप्टर की बात की जाती है कि प्रत्याशी जो कांग्रेस के हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आगरा गांव से हमारे बीच में एक यहाँ पर खड़े हुए थे वो बता रहे हैं कि इस गांव में जो है गोबर नहीं मिला है हेलीकॉप्टर उतरने के लिए। कहते हैं कि एक धरातल पर राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है, और एक हवाई जो राजनीति चल रही है। अब देखना है कि जनता का आशीर्वाद आखिर धरती के जो धरातल पर चलने वालों की तरफ जा रहा है या हवाई होगा। आप तुम तक न्यूज पर विशेष रिपोर्ट देखिए, कलू खान के साथ राकेश तिवारी। वीर जी मौजूद हैं, वो लगातार देख रहे हैं, और ये बाहर से भी सारे मध्य प्रदेश की सीटों पर भी नज़र रखे हुए हैं। इस समय पर ये लोकसभा सीट सागर की क्या स्थिति रहेगी? लोकसभा सीट सागर से निश्चित ही
लता दीदी की विजय सुनिश्चित है और उनके लिए केवल सागर क्षेत्र से ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश से बहनें और भाई लगातार आ रहे हैं, अपने लोगों से बात कर रहे हैं, बात में उत्साह है। बहनें हों, माएँ हों, भैया हों, बुज़ुर्ग हों, सभी से उनका सीधा संपर्क है, ज़मीन से जुड़ी हुई है, सीधा लगाव है, सीधा संवाद है। और मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष होते हुए पूरे मध्य प्रदेश में जिस तरह से उनका सघन जनसंपर्क हुआ, महिलाओं को जिस तरह से उन्होंने जोड़ा, महिलाओं की समस्याओं को जिस तरह से निदान किया, तो उनकी तो पूरे मुझे लगता है कि भारतवर्ष में सबसे बड़ी जीत होगी और रिकॉर्ड जीत होगी, ये निश्चित है। और इस प्रकार से हमने इनसे भी पूछा है, लगातार अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं अगर लोकसभा सीट की बात की जाए तो लोकसभा सीट में समय पर प्रचार गांव-गांव तक पहुंच गया है और बहुत ही जल्दी होगा मतदान। तुम तक न्यूज़ की विशेष रिपोर्ट।